तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ चिड़ियाघर पे जो कि दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों मेरे पास इंस्टाग्राम बहुत सारे डीएम आए थे, उन्होंने कहा था कि आपने टिकट बुकिंग की तो वीडियो बना दी, एक बार जाके जू की वीडियो बनाओ। तो दोस्तों इस पर यूर डिमांड मैं आ चुका हूँ चिड़ियाघर पे, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। और दोस्तों भी आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो टिकट घर हैं सारे क्लोज हैं। दोस्तों टिकट कैसे बुक करनी है आपका बटन ऑप्शन मिल जाएगा, जाके देखिए वीडियो। तो और दोस्तों बाकी आज बहुत मजा आने वाला वीडियो, दोस्तों आज एंट्री करते हैं और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों फाइनली मैंने चिड़ियाघर के अंदर एंट्री ले ली है और आपको जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है लिखा है आई लव दिल्ली जू। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो चिड़ियाघर है ये 176 एकड़ में फैला हुआ है और ये पुराने किले के पास स्थित है। और दोस्तों अभी आप ये जस्ट मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहीं से हमने अभी जस्ट यहाँ पे एंट्री करी है, ये इसका गेट था। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना मजा आने वाला है कि यार आप तो कहोगे मजा आ गया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और दोस्तों जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है नेशनल जूलॉजिक पार्क और कितना ही खूबसूरत है। दोस्तों अभी आपको मैं वहां चलते हैं और फर्स्ट क्लास सिनेमैटिक शूट भी आपको दिखाता हूँ वो कितना ब्यूटीफुल वहां पे बनाया गया है। दोस्तों भी आप ये देख पा रहे हो कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पे मछलियाँ बनाई गई हैं और कितना ही प्यारा यहाँ पे ये वाटरफॉल बनाया गया जिसको यहाँ पे खूबसूरती काफी ज्यादा यहाँ पे। चिड़ियाघर घूमने आते हैं तो आपको इस तरह की गाड़ी मिल जाएगी और इस गाड़ी का दोस्तों चार्ज है 70 रुपये, इसको कर सकते हैं, इससे आप पूरा चिड़ियाघर इजीली घूम सकते हैं, काफी कंफर्टेबल है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये। दोस्तों ये जो हम ये व्हीकल देख रहे हैं व्हीकल का यहाँ पे टिकट बुक होता है, यहाँ पे आप इजीली टिकट बुक कराते हैं। बाकी मैं आपको टिकट का चार्ज दिखा दूँ एक बार यहाँ पे मैं। और दोस्तों अभी आप ये चार्ज देख पा रहे होंगे 70 रुपये एडल्ट का है और 15 से 12 साल की उम्र का 30 है। अगर आप दोस्तों अगर बच्चा के 5 साल से छोटे हैं तो उनके लिए टिकट यहाँ फ्री है। दोस्तों आप ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये भैया हैं इस चिड़ियाघर में यहाँ सफाई करते हैं और उनको एक सल्यूट है कि यार इनकी वजह से हमारा चिड़ियाघर कुछ साफ रहता है। तो भैया आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे पब्लिक से, एक बार हाई कर दो सबको। जय हिंद। हाँ जय हिंद भाई। दोस्तों जस्ट आपको मेरे पीछे ये तालाब सा दिख रहा होगा जहाँ पे आपको जल पक्षी मिल जाएंगे। जल पक्षी में आपके यहाँ बत्तख हो गए, हंस हो गए और काफी कैटेगरी के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे अपने वीडियो में देखा, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे काफी सारी प्रजाति। दोस्तों जस्ट आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये पूरा चिड़ियाघर का मैप है, आपको आपको पता चल जाएगा, एक तरह से गाइड कर देगा कि आपको कहाँ पे कौन सा जानवर मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखाऊं जूम करके यहाँ पे कैमरे में। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको हर जानवर की लोकेशन एक्यूरेट मिल जाएगी और यहाँ पे कुछ सिंबल दे रखे हैं दोस्तों, कैंटीन हो गई, टॉयलेट हो गया, वाटर पॉइंट हो गया, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो गया, एजुकेशन सेंटर, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे आना। तो दोस्तों आप स्पेशली पहले मैप देख के जाना तो आप भटकेंगे नहीं, वरना आप यहाँ पे भटक सकते हैं जिस वजह से आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा घूमने में। तो दोस्तों अभी ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे आपको शेर पूछ बंदर मिल जाएगा, कोंटे बंदर, पहाड़। दोस्तों आप जैसे ही अंदर आएंगे और जल पक्षी का जो तालाब तो पार करते ही और लेफ्ट साइड जैसे दोस्तों आप टर्न लेंगे बंदर वाली साइड में तो आपको पहला वाटर पानी मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं और फिर यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं आगे की। तो चलिए दोस्तों आगे आगे चलते हैं और आगे आपको बंदर मिलने वाले काफी सारे कैटेगरी के। तो भाई अनुज भाई यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अनुज भाई कैसा एंजॉय कर रहे हो? हाँ तो यही एंजॉय चाहिए दोस्तों, आप भी ऐसा एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक करिए जल्दी से यार। दोस्तों अभी आपको ये वीडियो में दिख रहा है इसका नाम शेर पूछ वाला बंदर है। तो दोस्तों बता दूं इसका नाम ये इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि दोस्तों जो इसके सर के आसपास जो बाल होते हैं और जो पूछ का आकार होता है वो शेर के जैसा सिमिलर होता है, इसी रीजन से इसका नाम शेर पूछ वाला बंदर पड़ा हुआ है। तो अभी जस्ट आप ये यहाँ पे झूला देख रहे होंगे, ये झूला दोस्तों मैं पहले कंफ्यूज था कि किसे लगाया गया था। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको वीडियो में अगर जूम करके दिखा दूं उधर एक लाल पूछ वाला बंदर है, ये लाल पूछ वाला बंदर के लिए लगाया गया है। और दोस्तों इससे ये प्रतीत होता है कि ये बंदर कितना शैतान होगा, कितना बदमाश बंदर होगा। दोस्तों
पोंटा बंदर। तो दोस्तों बता दूं, ये बंदर आमतौर पर जो हमारी इंसानी बस्ती होती है उसके आसपास पाए जाते हैं। उसकी विशेषता होती है कि सिर पर ताज की तरह स्थित बालों का गुच्छा होता है, जिसके कारण इसे पोंटा मकैक बुलाते हैं। दोस्तों अभी हम मंकी के एरिया से निकल चुके हैं और दोस्तों अभी आपको ये एरिया दिख रहे हैं, यहाँ से हिरण का एरिया स्टार्ट हो गया है। आपको कई तरह के हिरण मिल जाएंगे यहाँ पे। और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो में और आपके लिए हिरण का सूट लेते हैं। तो दोस्तों मैं मंकी का एरिया पार कर चुका हूँ और अब आ चुका हूँ हिरण के एरिया में। और जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे आपको हिरण दिख रही है। तो उसमें कई प्रजाति के यहाँ पे हिरण रहती है, तो सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ इनके बारे में। तो ये इस हिरण का नाम है हॉग डियर और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। और बात करो दोस्तों इसकी, तो ये झुंड में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये आमतौर पर अकेले रहते हैं और ये काफ़ी सख्त जान के माने जाते हैं। और दोस्तों ये जाति ऐसी जाती है लुप्त कैटेगरी के कैटेगरी में आती है। जैसे आप मंकी एरिया पार करते हैं और हिरण के एरिया में आते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे टॉयलेट मिल जाएगा और टॉयलेट दोस्तों यहाँ बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। दोस्तों अभी आपको ये वीडियो में दिख रहा है ये सिक्का हिरण है। सिक्का हिरण की उत्पत्ति पूर्व एशिया में हुई थी, चीन जापान कोरिया देश के में पाए जाते हैं। ये भूरे और काले रंग के होते हैं। नेक्स्ट हिरण दिख रहा है आपको वीडियो में, ये सांभर हिरण। सांभर हिरण भारत के इंडोनेशिया में स्थित है और दोस्तों आपको बता दूं ये 300 मीटर की तक ऊंचाई तक होते हैं और जो इनमें जो नर होते हैं उनके ही सर पर सींग होती है और जो सींग की लंबाई दोस्तों बता दूं 90 सेंटीमीटर तक होती है। और खुराक की बात करो तो दोस्तों ये घास पत्तियां और जंगली फल खाते हैं। एक खास बात यह कि जब भी कोई शिकारी का शिकार करता है तो अक्सर ये पानी में तैरकर भाग जाते हैं। दोस्तों जैसा कि नाम से प्रतीत होता है श्वेत मृग, तो दोस्तों जो ये हिरण है भारत का सबसे सुंदर हिरण की कैटेगरी में आता है और ये बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और दोस्तों चौंक जाने पर ये उछलता हुआ तीव्र गति से दौड़ने लगते हैं। ये खुले दान में अक्सर रहते हैं जिसके कारण ये काफ़ी जल्दी शिकारियों की नज़र में आ जाते हैं। एक टाइम पर दोस्तों भारत की लुप्त प्रजाति कैटेगरी में आ गया था बट आरक्षण की वजह से अब ये नॉर्मल है। दोस्तों जैसे मैं दोस्तों अभी मैं हिरण जोन में हूँ जहाँ पे आपको हिरण की काफ़ी सारी प्रजातियाँ मिल जाती हैं। तो दोस्तों जैसे ही अभी मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों आपको सेकंड यहाँ पे पानी पीने का ऑप्शन मिल जाएगा, वाटर यहाँ पे ठंडा पानी मिल जाएगा आपको। और जस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको मदर डेयरी का एक स्टॉल मिल जाएगा जहाँ पे आपको आइसक्रीम और हर चीज़ मदर डेयरी की प्रोडक्ट यहाँ पे आपको ईजी मिल जाएंगे। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपनी चौथी प्रजाति को हिरण की, इसका नाम है ब्लैक बक। और दोस्तों आपको इसकी प्रजाति कुछ खास बात बता दूं, दोस्तों ये बहुत ही फुर्तीले हिरण होते हैं और जो इनकी स्पीड है बहुत तीव्र होती है, जो कि आपको मैं आपको दिखा दूंगा, एक बार छोटा सा क्लिप लगा दूंगा वीडियो में। और दोस्तों बात करूं इनकी फुर्ती की, दोस्तों ये जब ये कोई इनको डर लगता है तो ये काफ़ी उछल उछल के इधर उधर भागते हैं। और दोस्तों अभी आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे होगे यहाँ पे आपको इनका पूरा झुंड दिख जाएगा, अगर आप ये डर गए तो बहुत स्पीड से भागेंगे। बाकी दोस्तों अभी ये झुंड छोटा है तो यहाँ पे आपको भागते हुए नहीं दिखेंगे। दोस्तों अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे ये गौर गाय है और दोस्तों आपको बता दूं कि ये प्रजाति लुप्त प्रजाति कैटेगरी में आ गई है। और बात करूं इसकी खासियत की, दोस्तों इसकी सूंघने की और सुनने की क्षमता दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। और बात करूं दोस्तों इसके पैरों की, दोस्तों पैर पीछे से व्हाइट होते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय की कैटेगरी में आती है। दोस्तों जैसा कि नाम से प्रतीत होता है ताड़ बिलाव, दोस्तों इसका नाम ताड़ बिलाव इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो होता है ये ताड़ का रस का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, जो लोगों द्वारा जब बर्तन लगाए जाते हैं तो रात में ये पी लेता है। जो लोमड़ी होती है काफ़ी शर्मीली स्वभाव की होती है, लेकिन दोस्तों बात करो लोमड़ी की पूंछ की तो दोस्तों इसकी पूंछ बड़ी कमाल की होती है। जब भी दोस्तों ये दौड़ती है तो ज़मीन से इसके बीच की ऐसी दूरी बनती है समानता, जिससे इसको बैलेंस मिलता है। दोस्तों जस्ट आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये गीदड़ है और दोस्तों गीदड़ की आपको एक खास बात बता दूं, ये बहुत चतुर कैटेगरी के जानवरों में आते हैं। और ये बात करूँ फुर्ती की, दोस्तों ये फुर्ती बेमिसाल होती है और जैसे कि दोस्तों आप जंगल में देखेंगे तो शेर हो गए चीते हो गए उनके पीछे पीछे चलते हैं, जैसे वो शिकार करते हैं उनका झूठन खाते हैं जहाँ पे भी रहते हैं, ये बिल के अंदर रहते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इन्होंने जगह जगह बिल खोद रखे हैं इसके अंदर। दोस्तों जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं हिरण है
जाती हैं। तो दोस्तों आपको इसकी खास बात बता दूँ, ये पीछे हिरण दिख रहा है आपको, इसमें दोस्तों होता ही है कि दोस्तों होता ही है कि ये पानी के आसपास पीढ़ी उड़ा रहते हैं और इन्हें फल सब्जियाँ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और इनके शरीर के ऊपर फाइव फाइव टन के धब्बे होते हैं, इसी वजह से इसका नाम पीतल हिरण रखा गया है। चलिए दोस्तों अब इसमें आधा क्लोज करता हूँ, अब तो जितना भी हिरण से मैंने बता चुका हूँ बाकी आप आएंगे तो काफ़ी सारी प्रजाति मिल जाएगी, तो आगे चलते हैं। पूरे पानी के अंदर है दोस्तों, जस्ट आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये एक सिंह वाला गैंडा है और दोस्तों आपको बता दूँ ये एशिया का सबसे शक्तिशाली गैंडे की कैटेगरी में आता है। तो कुछ टाइम पहले गंगा के किनारे साइड पाए जाते थे, अब ये आपके नेपाल में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो त्वचा होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड और सख्त होती है, ये हाथी की कैटेगरी की इनकी त्वचा आती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बर्ड जोन में और मेरे इस तरफ आपको दोस्तों काफ़ी सारी आपको तोते दिख जाएंगे, पैरट। तो चलिए दोस्तों हम अपना जो बर्ड जोन है वो स्टार्ट करते हैं। अरे बोलना होगा सर, ये बोलता बोलना ला है। हेलो मिट्टू, हेलो बोलते हैं। वीडियो में ये सफेद मोर दिखाई था आपको मैं एक बार, दोस्तों भी देख पा रहे होंगे ये सफेद मोर है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम 2 घंटे जू में घूमने के बाद हमको लगी थी थकावट और हमें लगी थी भूख। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि चिड़ियाघर में आप खाना पीना कुछ अंदर नहीं रखते, पीने के लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक ला सकते हैं। तो हमें काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मैंने डिसाइड करा कि हम ये पी रहे हैं मदर डेयरी की लस्सी। तो गाइस लस्सी कैसी है? अगर अनुज भाई तुमने तो पीना स्टार्ट भी करते बताओगे? तो चलिए दोस्तों थोड़ा हमें भूख लगी हुई है तो इसको पी लेते हैं, फिर आपके लिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा ये गिद्ध है जो कि मृत खोर भी कहा जाता है और ये मृत जानवर को खाते हैं। दोस्तों अभी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ये सामने आपको उल्लू दिख रहा है ये, और ये घर संभाल का इसका लक्कड़ का सुंदर है ये। दोस्तों ये है धनेश, और बात करो दोस्तों इसकी चोंच काफी पावरफुल लंबी होती है, और दोस्तों जो वो मादा कैटेगरी में जो अंडे देती है, अंडे देने के लिए पेड़ में छेद करती है, छेद करने के बाद उसमें ही अंडे देती है और उसमें ही रहती है। तो ये करेल उल्लू है, और दोस्तों इसकी एक चीज़ खास बात बता दूँ, उसका जो फेस होता है वो दिल के आकार का होता है। मैं आपको अगर वीडियो में थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको देख पाओ तो। दोस्तों अभी ये सो रहा है यहाँ पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पानी के सबसे खतरनाक जानवर के पास, क्रोकोडाइल जिसको हिंदी मगरमच्छ के भी नाम से जाना जाता है।
और दोस्तों अभी ये सुबह की धूप ले रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और दोस्तों वैसे तो ये जानवर सुस्त होता है लेकिन जब शिकार करने की बारी आती है तो ये बहुत ज़्यादा फुर्तीला जानवर बन जाता है उस समय ये। तो एक खाद्य भंडार है जहाँ से यहाँ पशुओं को खाना दिया जाता है। दोस्तों अभी आपको मेरे पीछे दस दिख रहा है दोस्तों ये इंडियन हाथी है। और दोस्तों इसकी खास बात बता दूँ कि इसके दांत काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और जो नर हाथी होते हैं उनके ही दांत होते हैं, जो मादा हाथी होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं। और दोस्तों आपको जस्ट मेरे पीछे दिख रहे हैं बड़े बड़े कान होते हैं। कान दोस्तों ये इसलिए हिलाते हैं क्योंकि ये कान से हवा करते हैं जो इसको गर्मी से बचाता है। तो दोस्तों आप चिड़ियाघर आए तो इसको ना हाथी ना देखें तो दोस्तों फिर तो क्या मज़ा आएगा ही नहीं दोस्तों। तो आप जब भी चिड़ियाघर आओ तो हाथी जरूर देखना और बहुत अच्छा नज़ारा है दोस्तों क्या जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं। और हमें चांस मिला है फर्स्ट टाइम चिड़ियाघर आने के बाद हाथी को देखने का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हाथी होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, उसी रीजन से यहाँ पे दोस्तों तालाब बनाया गया है जिसमें यहाँ पे आके नहाते हैं अपनी गर्मी शांत करते हैं। और अभी जस्ट दोस्तों आप ये देख रहे होंगे ये एक छतरी टाइप का ये बनाया गया, उसके नीचे छाया है, छाया के नीचे खाना खा रहे हैं अपना। ये आपको ये वीडियो में दिख रहा है ये घड़ियाल होता है। और दोस्तों इसकी खासियत बता दूँ, इसका जो जबड़ा होता है पतला होता है और बहुत नुकीले दांत होते हैं। और दांत की क्वांटिटी की बात करो तो 100+ दांत इसके होते हैं। और खाने की बात करो तो दोस्तों ये मछलियाँ कछुए और छोटी मोटी चीज़ें खाते हैं और ये बड़े जानवर नहीं खा सकते। दोस्तों जैसा कि भी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये जैगवार है। और दोस्तों आपको दिखा दूं किसी खतरनाक कितना है दोस्तों, इसको इतने दोस्तों अगर चिड़ियाघर की बात हो और बंगाल टाइगर का नाम ना आए इट इज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों जैसा नाम से प्रतीत होता है बहुत ही जो ये बंगाल टाइगर है भारत राष्ट्रीय पशु है, इसके अंदर दो जैगवार रखे गए हैं। नॉर्मल बाघ के नाम से भी जाना जाता है। उस कौन से स्टार्ट किस समय पर दोस्तों ये प्रजाति बिल्कुल लुप्त होने की कैटेगरी में आ गई थी। मैंने आपको दिखाया एक ही लेटा हुआ है, एक उस साइड है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा उस साइड आपको दिख रहा है वीडियो में दोस्तों, दिखा दो आपको ये भेड़िया बैठा हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों बात करूँ इस जानवर की तो दोस्तों ये जानवर झुंडों में रहते हैं और ये अपने झुंड में रह के बड़े से बड़े जानवर का शिकार इजिली कर लेते हैं। दोस्तों इस चिड़ियाघर में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने बेबी को यहाँ फीडिंग करा सकते हैं, इसके लिए स्पेशल यहाँ पर रूम बनाया गया है। दोस्तों मेरे को ये फैसिलिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो भी हम चिड़ियाघर में आ चुके हैं वाइट टाइगर के पास और दोस्तों आपको दिखा दूँ मैं वाइट टाइगर वाइट टाइगर कहाँ पर है। तो दोस्तों ये वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ वाइट टाइगर को। दोस्तों उधर देखिए वो टाइगर बैठा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों लकड़ का ये लगा रखा, क्योंकि दोस्तों ये टाइगर होते काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले भी होते हैं और ये शिकार करने के लिए जंप भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लगा सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं चिड़ियाघर में कितना ही खूबसूरत बैठने जगह बनाई गई है और ये बरगद का पेड़ है। और दोस्तों बात करूँ इस ट्री को तो ये 100-150 साल पुराना ट्री है और यहाँ पर कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर चारों तरफ कुर्सी लगाई गई जिसके यहाँ पर लोग आके रेस्ट कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम काफ़ी देर से घूम रहे थे तो ये हमारे साथी हमारे क्रू हैं मेंबर हैं जो हमारे साथ हैं। तो अभी हम पानी भर रहे हैं और दोस्तों ये यहाँ पे क्वार्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे आप ठंडा पानी भर सकते हैं। तो अभी हमारे साथी काफ़ी थक चुके हैं
क्योंकि हम मॉर्निंग में 8 बजे आ चुके थे, तो अब यहाँ कंटिन्यू वीडियो शूट कर रहे हो, 11 बजने को हो गया यहाँ पे। तो जो ये जगह है हिमालयन काला भालू की है, और दोस्तों बात करो इसकी पावर की, दोस्तों ये बहुत पावरफुल जानवर होते हैं, और ये पूरे दिन ये इनका ज़्यादातर टाइम सोने में बीतता है, और दोस्तों बात करूँ कैटेगरी की तो दोस्तों बहुत आलसी किस्म के होते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत खूंखार भी होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं इसकी स्वभाव की बात कर रहा था, दोस्तों देखिए पूरा दिन आप देख पा रहे वीडियो में ये वहाँ पर लेटा हुआ है, और इसका ज़्यादातर दिन सोने में ही बीतता है, बहुत आलसी किस्म के भालू होते हैं। बाकी जब शिकार करने की बारी आती है दोस्तों ये बड़ा खोखार हो जाता है ये, और जब पहाड़ी इलाकों पे ही पाए जाते हैं। दोस्तों ये भालू की सेकंड कैटेगरी है जिसको रीछ बोलते हैं, और दोस्तों बात करूँ इसके मुंह की तो दोस्तों इसमें सबसे इसको जो अलग बनाता है इसका थूथन होता है जो कि बाहर की ओर निकला होता है। दोस्तों ये चीटियाँ वगैरह भी खाता है, उस चीटे को दोस्तों ये चूसता है तो 200 मीटर तक इसकी आवाज़ को सुनी जा सकती है। ये फल कीट भी खाता है। दोस्तों अगर आप चिड़ियाघर घूमने आते हैं तो अगर आप शेर ना देखे हो तो चिड़ियाघर आना आपके लिए बेकार है। तो दोस्तों ये पल बहुत ज़्यादा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर कभी भी आप आते हैं तो आपकी तमन्ना होती है कि आप हाथी और शेर को देख के जरूर जाएं। तो दोस्तों जस्ट आपको मेरी वीडियो में पीछे दिख रहा होगा ये एशियाई शेर है, और दोस्तों इसकी खास बात बताऊँ कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और ये शिकार जो करते हैं दोस्तों ये इनका झुंड होता है, ये 3 से 4 झुंड में शिकार करते हैं। दोस्तों ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये जंगल में हाथी तक को गिरा देते हैं झुंड में। दोस्तों ये आपको दिख रहा है वीडियो में तेंदुआ है जिसको इंग्लिश में लेपर्ड भी बोलते हैं। दोस्तों शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ी पक्षियों की कैटेगरी में आता है, साथ ही साथ दोस्तों जो इसका अंडा होता है वो भी सबसे बड़े अंडे की कैटेगरी में आता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो इसकी टांगें काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, जिसकी वजह से ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी दौड़ सकता है। दोस्तों फाइनली हम चिड़ियाघर पूरा घूम चुके हैं, और दोस्तों टाइम आ गया रिव्यू करने का वीडियो का, और दोस्तों आप जानते होंगे हम आए थे 8:30 बजे चिड़ियाघर के अंदर, और अभी बच्चों की घड़ी में एक तो टोटल 4 घंटे हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा जब भी आप यहाँ पे आओ टाइम निकाल के आना, बिकॉज दोस्तों ये बहुत बड़ा है, 5-6 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी भी कर सकते हैं, 70 रुपये इसका चार्ज मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया। तो दोस्तों मेरा रिव्यू यही रहेगा जब भी आप यहाँ पे आओ टाइम निकाल के आना, एडवांस में टिकट बुक करके आनी होगी आपको क्योंकि आपका एक दिन पहले स्लॉट यहाँ पे बुक होगा। तो दोस्तों हाउ टू रिच, तो आप दोस्तों के मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे कैसे पहुँचे। दोस्तों अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो है प्रगति उद्यान स्टेशन पर आना पड़ेगा, जिसका नाम चेंज होकर सुप्रीम कोर्ट हो गया। वहाँ पे आप आओ तो वहाँ पे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको आप बस या ऑटो से बुक कर सकते हैं, और या वॉकिंग कर सकते हो, वॉकिंग भी आ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम वॉकिंग पे आए थे तो जैसा आपको सुटेबल हो आप आ सकते हैं। और दोस्तों मेरे से जितना पॉसिबल हुआ मैंने सारे एनिमल्स सारे प्रजाति जितने भी यहाँ पे सारे कवर करने की कोशिश करी है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो पे प्यारी सी कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो टाइम टू टाइम आती रहती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं।